बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रव रमन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन में देखू हम रव रमन के हमेशा नवा जानकारी और बेस जानकारी लेके आवेला, तो रव रमन हमारे कर जानकारी से फायदा लेवीला कि नहीं ले लेना ही। आज किसान भाई बहन कहे कर मतलब है कि जे एक कार्यक्रम कृषि दर्शन है, एक खास करके रौर मन ले बनाल जा है ने। तो किसान भाई बहन मन चलू कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले हम रौर मन के दिखाते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलाश ब्रांड ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बना रहा है सशक्त। सफल पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 31 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल के रूप में संगठित कर उन्हें कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधु उत्पादन एवं विभिन्न वनोपज संग्रहण इत्यादि आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इन महिलाओं के उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों की बिक्री के लिए पलाश के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है। इस पलाश ब्रांड के अंतर्गत सभी कार्य संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग साथ ही मार्केटिंग इत्यादि का कार्य इन्हीं महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पलाश ब्रांड के अंतर्गत आटा, मड़ुआ, ब्राउन राइस, दाल, मसाले, शहद, चॉकलेट, साबुन इत्यादि और भी बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। पशुपालकों अपने पाले गए गाय, बकरी, मुर्गी या सूकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके पशुओं को संभावित रोग से बचाव हो जाता है। रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज़्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग के ज़्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं और बेहतर लाभकारी पशुपालन करें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में मिर्च के ये प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। हरे मिर्च के उन्नत प्रभेदों में पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ऐसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसी स्थिति में पशुओं को ठंड लगने की संभावना रहती है। पशुपालक यदि अपने पशुओं के नाक से पानी बहना और सांस लेने में पेट का फूलना इत्यादि जैसे लक्षण दिखे तो ये ठंड लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर चरने भेजें। पीने के लिए मवेशियों को गर्म पानी देना चाहिए। सुबह शाम पशुओं के आवास में हीटर या अलाव की व्यवस्था करें, साथ ही पशु विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास।
धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज की मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुँचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज हम सबसे पहले लेंगे चावल को। चावल में लखी भोग का दर है 4,700 रुपये प्रति क्विंटल। चावल में ही परमल चावल का प्रति क्विंटल दर है 3,600 रुपये। चावल में ही मंसूरी को अगर हम देखें तो उसका दर है 3,300 रुपये प्रति क्विंटल। फिर हम आते हैं आटा की तरफ। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,400 रुपये। आटा का एक और है जिसका है सगुन। सगुन आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर हम आते हैं दाल पे। दाल का जिसमें तूर दाल है, तूर दाल का प्रति क्विंटल दर है 13,200 रुपये। आखिरी में हम लेंगे मूंग दाल को जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,000 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोबरे तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिललक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को दो आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई KYC। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है, इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई KYC को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।
ऐप पर OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी EKYC की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को PM किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे, उसके बाद ओके क्लिक करना है। PM किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी जो अब तक PM किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। विराम के बाद रवरमन के एक बार फिर स्वागत है। तो चलो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी को। आज का जो जानकारी है आगात कद्दू वर्गीय सब्जी कर प्रबंधन कर बारे में। अब देखो रवरमन, कद्दू वर्गीय सब्जी यानी कि हो गलक नेनुआ, झिंगी, खीरा, कोहड़ा, कद्दू इकर रवरमन खेती करीला और मान लो कि एक में मौसम कर मार से या कोनो तरह कीट लग गलक या अगर में रोग लग गलक तो किसान भाई बहन के बहुत नुकसान होला। तो रोरेमन के अगर नुकसान से बात चेकर है तो चलू इकर जानकारी रोरेमन के हम फीचर कर माध्यम से दिवा दुआ थी। कद्दू वर्गीय सब्जियों को मानव आहार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इन्हें बेल वाली सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत लौकी, खीरा, तुरई, गिलकी, करेला, कद्दू खेती होती है। गर्मी के मौसम में इसकी खेती होती है। अगर किसान अगेती खेती करें तो कद्दू वर्गीय सब्जियों से उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सेवा सुप्रिया दत्त देवता जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे कद्दू वर्गीय सब्जी और आगात के फसलों के प्रबंधन के बारे में। कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी कि कद्दू वर्गीय सब्जी जो है एक बहुत बड़ा समूह है। इसमें सब तरह की सब्जियाँ आती हैं और ये अब जब हमारा अभी सीज़न जब चेंज हो रहा है अभी हम इसको लेते हैं। और ये कद्दू वर्गीय सब्जी जो है ये बहुत बड़ा समूह होने के कारण इसमें सब तरह की सब्जियाँ हैं। फल वाले सब्जियाँ हैं जिनको हम सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं, सलाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो ये मुख्यतः बहुत बड़ा समूह है और इसमें सब तरह के जो सब्जी होते हैं प्रायः सब लतर वाले सब्जियां हैं। लतर वाले सब्जियां होने के कारण इनको सहारे की ज़रूरत होती है, सहारे के द्वारा से चढ़ाते हैं। ये बेल वाले सब्जियां हैं इसलिए इनको हम लोग मचान में भी चढ़ा करके लगाते हैं। कद्दू वाले सब्जियों की खासियत ये है कि ये पानी वाले सब्जी बहुत होते हैं, इनमें पानी की मात्रा बहुत होती है और रेशा इनमें भरपूर होता है और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी प्रचुर मात्रा इनमें उपलब्ध होती है। कृषि जानकार कहते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की उपलब्धता वर्ष में 8 से 10 महीने तक रहती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है लेकिन दोमट और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जल निकास अच्छी तरह से हो जाता है। जहाँ पे हम फसल लेंगे उसके लिए खाद का प्रबंधन करना है तो जनरली यहाँ पर ये होता है कि जो खाद होते हैं खाद में मिट्टी जनित रोग बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, तो उसको बचाने के लिए किसानों को सलाह देंगे कि ट्राइकोडर्मा से आप अपने खाद को पहले प्रबंधित कर दें। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी खाद होगा आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर का खाद हो, पत्ती की सड़ी खाद हो, वो सारे खाद को एक जगह इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा नमी डाल दें। नमी डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ दें, एक दिन के लिए छोड़ दें, दो दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर आता है ट्राइकोडर्मा का पाउडर उसमें डाल करके अच्छी तरह से उसको मिला दें। मिलाने के बाद उसको ढक कर गीले बोरे से ढक दें ताकि वो प्रबंधित हो जाए। दो चार दिन छोड़ने के बाद फिर वो उपयोग करने के लायक हो जाता है। तो ये एक हो गया कि हमको खाद का प्रबंधन कैसे करना है। जानकार कहते हैं कि ज्यादातर कद्दू वर्गीय सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी पकी हुई गोबर की खाद और 80 किलोग्राम नत्रजन की आधी मात्रा, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 50 किलोग्राम
पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व उपयोग करें और शेष बची हुई नत्रजन की मात्रा को 20 से 25 दिनों और 40 दिन की फसल अवस्था में दें। बीज उपचार करेंगे तो हम उसको किस तरह से करेंगे? डायरेक्टली हम लोग उसको ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ट्राइकोडर्मा से हमें बीज उपचार करने के लिए क्या करना होगा? ट्राइकोडर्मा का पाउडर जितना हमें बीज है, 1 किलो का बीज है, तो उसमें हम 2-4 ग्राम के बीच में हम ट्राइकोडर्मा का पाउडर लेकर के उसको हल्का सा पानी या गुड़ का सिरा से थोड़ा घोल बना करके उसको हम उसमें लगा देंगे ताकि वो सारा ट्राइकोडर्मा बीज से चिपका रहे। बीज से चिपका रहेगा तो वो जब हम उसको बोएंगे बीज को तो जो भी अगर मिट्टी से जनित रोग होने वाले हैं उससे उसको दिक्कत नहीं होगा, वो रोग पकड़ेगा नहीं पौधा। ये हो गया उसका बीज उपचार। और तीसरा चरण जब हम एकदम जो आगात फसल लेने के लिए जो मुख्य जो हमको प्रबंधन करना है वो ये है कि सबसे पहले हमको बीज जो उपचारित है उसको हमको पहले उगाना है, क्योंकि बीज भी बहुत महंगा आता है और बीज को भी हमको ऐसा उगाना है कि उसका जो बीज जब जन्मे तो 100% उसमें जर्मिनेशन हो, ऐसा ना हो कि बीज मेरे बर्बाद हो जाए। तो इसके लिए हम क्या प्रबंधन करेंगे कि बीजों को लेकर के हम पानी में उसको सोख करके रखेंगे, उसको हम भिगो करके रख देंगे तो लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हम उसको 1 दिन से 1.5 दिन तक हम उसको बीज को भिगो करके रख देंगे। जब बीज पूरी तरह से फूल जाए तब हम उसको निकाल करके सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। अच्छे से पोंछने के बाद थोड़े से छायादार जगह में रख करके थोड़े से बीज को सुखा देंगे कि थोड़े वो फरर हो जाए, अलग अलग हो जाए। जब वो अलग अलग हो जाएंगे तब अब इन भींगे हुए बीजों को हम जो भी पत्ता किसान के पास अवेलेबल है, केले के पत्ते हो या कोई भी पेड़ के बड़े पत्ते हो, उनमें उसको रख करके उसको अच्छे से बांध देंगे। बांधने के बाद उसको कोई एक सूती कपड़े से अच्छे से बांध करके कोई गर्म जगह पर रख देंगे। अब यहाँ पर जो हम गर्म जगह पर रखेंगे उसको 2 दिन तक हम इसी तरह से रख देंगे ताकि उसमें बीज में पहले से ही नमी है, वो फूला हुआ है पूरा, और उसको हम बांध के रख रहे हैं तो उसको हम गर्माहट दे रहे हैं, तो मेरे जितने भी बीज है सारे के सारे बीज मेरे अंकुरित हो जाएंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती के लिए जरूरी है कि फसल की बुआई मध्य फरवरी से मार्च के समय करें, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। जहां तक सिंचाई की बात है तो गर्मी के फसल में 6 से 7 दिनों के अंतराल पर और आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। आपका जो नर्सरी जब तैयार हो जाएगा वो मुख्यतः 10-12 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा, 15 दिन के बाद फिर आप उसको मेन खेत में लगा दीजिएगा। मेन खेत में लगाने के बाद आप उसको कोशिश करिएगा कि उसको सहारा में दे करके लगाए, लतर मचान में चढ़ा करके लगाए ताकि फसल अच्छा आकार ले, अच्छा गुणवत्ता वाला हो और रोग से बचा रहे। तो चलो किसान भाई बहन मन, अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते हैं दूसरा जानकारी की ओर। दूसरा जानकारी वो बहुत सुंदर है। तो जानकारी है कि दलहनी फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। अब देखो रौरमन, दलहनी फसल करीला नहीं है, मूंग हो गलक, राहड़ हो गलक, चना हो गलक, उड़ीद हो गलक, कई किस्म कर करी रौरमन खेती। अब इकर में मौसम कर हिसाब से है नी कीट लग गलक, रोग लग गलक, तो किसान भाई बहन के भारी नुकसान होगा। तो अगर ये नुकसान से रौरमन के बाचे के है तो चलू रौरमन के हम सीधे लेकर चलते हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवा दे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ पहुँचे हैं गढ़वा कृषि विश्वविद्यालय। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं दलहनी फसलों में लगने वाले रोग लक्षण एवं उनका समेकित प्रबंधन। जब रबी मौसम की बात करते हैं तो उसमें दलहनी फसलों की बहुत मुख्यता होती है और दलहनी फसल किसानों के आय के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है, एक अच्छा सोर्स होता है। लेकिन इसमें कुछ बीमारियां लगती हैं जिन बीमारियों के लगने के चलते इनकी नुकसान नहीं होता है बल्कि जो उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए हम इसमें कुछ सावधानियां बरतेंगे और उसकी पहचान बताना चाहेंगे कि जिसको पहचान करके किसान अपने इस लगने वाली बीमारी को प्रबंध कर सकें और एक उचित मुनाफा कमा सकें और जो उत्पादन है उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को भी बरकरार रखें। इसमें कुछ जैसे दलहनी फसल की अगर बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से चना, मटर,
अरहर, मूंग एक प्रमुख रूप से फसलें हैं जिनको किसान भाई लगाते हैं और हमारे झारखंड में इसकी खेती बहुत व्याप्त मात्रा में की जाती है। लेकिन जैसे आज का भी जो मौसम चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी महीना के जैसे अंत होता है समापन की तरफ और फरवरी के स्टार्ट में एक बहुत सामान्य बीमारी है जो कि आती है, जिसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको अगर हम आम चल के भाषा में अगर बोलते हैं उसको बोलते हैं भभूतिया बीमारी। भभूतिया इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भभूत की तरह, धूल की तरह इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो पौधों पर देखने को मिलता है। इसका लक्षण पत्तियों पर, टहनियों पर जो पौड बनता है, बाली फली पर, उस पर भी दिखाई देता है। और आप प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे तो सफ़ेद रंग का पूरा पाउडर की तरह पत्तियों के ऊपर, फली के ऊपर, टहनियों के ऊपर, उसके तना के ऊपर दिखाई देगा। फिर बाद में वो सफ़ेद रंग से काला रंग का, भूरा रंग का हो जाता है और उसको हाथ से अगर आप टच करेंगे तो आपके हाथ पर पाउडर रूपी देखने को भी मिलेगा। बहुत ही सामान्य बीमारी है और ये जनवरी के महीने के अंत में और फरवरी में बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। और यह एयरबॉर्न डिजीज होता है, यह हवा के अगर एक खेत में आए तो बगल वाले खेत में भी आसानी से पहुंच जाता है और उसकी फसल को भी बर्बाद करता है। तो सर्वप्रथम इसको हम बचाने की अगर बात करें, इसको हम प्रबंधन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना कीजिए कि अगर किसी भी खेत में दो चार पौधों में इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है तो उस खेत से उस पौधे को उखाड़ कर किसी भी जगह पर मट्टी में उसे गाड़ देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी पौधा अगर बच जाएगा तो वह क्या होगा कि उसके जो फंगस, एक्चुअली ये बीमारी होती है फंगस के द्वारा और ये फफूंद के द्वारा होती है और जिसके चलते यह एक खेत से, एक पौधे से दूसरे खेत में या दूसरे पौधे में ट्रांसफर होते रहते हैं, इसकी स्पोर फैलते रहते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, हमें इसको रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो इन्फेक्टेड, जो संक्रमित पौधा है उसको हमें मट्टी में गाड़ देना चाहिए या कहीं पर ले जाकर उसको बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसको प्रबंधन करने का तरीका यह होता है कि हम जब खेत में मटर का, चना का, अरहर का जब हम बुआई करें तो बुआई करने से पहले उसके बीज को हमें उपचारित करना चाहिए। और बीज उपचारित करने के लिए एक कवकनाशी आता है, फफूंदनाशी आता है जिसका नाम है थायोफिनेट मिथाइल। बहुत समान है जिसको सामान्य नाम पे, इसको बाजारिक नाम में रोको के नाम से आता है, रोको के नाम से ये बाजार में बिकता है, तो उसको हमें ले लेना चाहिए। और लेकर के एक केजी अगर बीज है तो एक केजी बीज और एक ग्राम फफूंदनाशी थायोफिनेट मिथाइल रोको जो है उससे हमें बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार कम से कम कितना दिन करना चाहिए? बीज उपचार करने का तरीका यह होता है कि एक टर्म होता है FIR। FIR का मतलब होता है पहले फंजीसाइड से करना चाहिए, फिर इंसेक्टिसाइड से करना चाहिए, फिर आए जो भी हमसे करना चाहिए। फंजीसाइड्स में जैसे मैंने बताया आपको थायोफिनेट मिथाइल हो गया, अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इमिडाक्लोरोपीड हो गया, और अगर हम राइजोबियम की बात करें उसमें टाइकोडर्मा विरिडी, टाइकोडर्मा हर्जेनियम का। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम में वो होता है जो राइजोबियम से मतलब होते हैं जो मतलब ऐसे जीव, जो ऐसे फंगस, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे पौधों को प्रमोट करते हैं, जैसे टाइकोडर्मा का बहुत मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। इसको बीज उपचार करने का समान तरीका होता है कि बुआई करने से 3 से 4 घंटा पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए, और बुआई जो भी बीज उपचार करने की प्रक्रिया है उसको हमें छाया में करना चाहिए। और एक केजी अगर बीज है तो 10 से 12 ग्राम हमें टाइकोडर्मा लेना चाहिए, अगर हम फफूंदनाशी लेते हैं तो थायोफिनेट मिथाइल एक केजी सीड के लिए 1 ग्राम हमें लेना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए, पानी में हल्का सा उसको सोख कर देना चाहिए बीज को, और उसमें जो फफूंदनाशी है उसको डालकर अच्छे तरीके से, जिस तरह से हम सीमेंट बालू मिलाते हैं अच्छे से मिला देना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि बीज के ऊपर एक फफूंद का, फफूंदनाशी का एक लेयर, एक परत चढ़ जाए, या टाइकोडर्मा से अगर हम उपचार कर रहे हैं तो टाइकोडर्मा का एक परत चढ़ जाए, और उसको जो भी बीज उपचार की प्रक्रिया है उसे हमें छाया में करना चाहिए। और छाया में अगर हम करेंगे तो उसमें लंबे समय तक उसका जो परत है बरकरार रहेगा, उसके बाद हमें 3 से 4 घंटा के बाद उसकी हमें बुआई करना चाहिए। उसके बाद जो मैं बता रहा था कि फफूंद, जो भभूतिया बीमारी है, पाउडरी मिल्ड्यू है, यह बीमारी जब आ जाती है, अगर मान लीजिए हमने उपचार कर दिया या उपचार नहीं कर पाया और खेत में बीमारी आ जाती है, तो हमें इसको प्रबंधन करने के लिए हमें सल्फर फंजीसाइड्स का प्रयोग, स्प्रे करना चाहिए। और सल्फर फंजीसाइड का स्प्रे करते समय हमें ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी हमें फफूंदनाशी का स्प्रे सुबह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फसलों पे ओस पड़े रहते हैं तो ओस के समय में फफूंदनाशी का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, और उस समय हमें किसी भी यूरिया या नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। हमें जब भी फफूंदनाशी का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो वो हमें दोपहर में करना चाहिए। उसके बाद फफूंदनाशी का स्प्रे कम से कम कितने दिन पर करना चाहिए? फफूंद बीमारी आने पे हमें कम से कम 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे अगर हम करते हैं तो बीमारी बहुत आसानी से हम इसको प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी एक सामान्य तौर पर देखी जाती है, जिसे अरहर में खास तौर से, वह बीमारी होती है आपको बांझपन आता है। यह बीमारी मुख्य रूप से वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होती है, और हमारे झारखंड में कसकुटा एक परजीवी पौधा होता है, पैरासाइट होता है, जो कि अरहर के पौधा को चारों तरफ से पीला रंग का, देखने में आपको
आपको किसान भाइयों पीला रंग का दिखाई देगा, यह अरहर के पौधा को चारों तरफ से कवर कर लेता है, घेर लेता है, और घेरने के बाद क्या करता है कि इसके जड़ों को, इसके तनाव को संक्रमित कर देता है, प्रभावित डैमेज कर देता है, जिसके चलते विषाणु आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और क्या होता है कि जो संक्रमित अरहर के हमारे पौधे होते हैं उनका पौधा रुक जाता है, पौधा बौनापन हो जाते हैं, और बौने हो जाएंगे उनको जड़ से उखाड़े तुरंत आसानी से उखड़ जाते हैं और उसमें फाली नहीं बनता है, उत्पादन काफ़ी घट जाता है, और किसानों की सबसे बड़ी अरहर के लिए समस्या के रूप में यह जानी जाती है। इसके लिए क्या होता है कि इसका जो वाहक होता है, जो विषाणु को एक संक्रमित से अच्छे हेल्दी पौधों की तरफ ले जाता है, उसका जो वाहक होता है वह एफिड होता है। तो एफिड प्रबंधन करने के लिए हमें इमिडा क्लोरोविड का स्प्रे करना चाहिए, जिसके चलते वह हम एफिड को या माहू को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखो आज के जो दो जानकारी उनको मिल लग ये कैसा रहे बेस है नहीं, अरे भाई सेले तो कही ला के रोरे मन पता का जरूर लिखू है नहीं, हम लिखवाए दो अथी पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोर मन मनोज वर्मा के इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और मिलल। नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन।